मैं आज के इस वीडियो में आपको पैसा बचाने का एक निंजा तकनीक बताना चाहता हूँ दोस्तों। हर किसी के पास बजट ज़्यादा नहीं रहता, किसी के पास ज़्यादा रहता है, किसी का कम रहता है, कोई मीडियम बजट में कोई लोन लेके काम करते हैं। तो उन लोगों के लिए मेरा एक सजेशन, आज का सजेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जो है विंडोज़ के लिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को। ये बाहर का व्यू है, चलो ठीक है, इसको अच्छा सा डिज़ाइन बनेगा। जिनका बजट एक टाइट में मीडियम में है तो वो लोगों का मैं एक सिंपल सजेशन दूंगा। अगर आप चाहे तो इसको काफ़ी कम रेट में बनवा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा, ये बॉर्डर लगाने का ज़रूरी नहीं है, खाली ये वाला सिंगल फ्रेम लगा। इसमें देखिएगा ग्रैनाइट कटिंग का पैसा बचता, ग्रैनाइट बचता, सब कुछ बचता है। और सिर्फ अगर आप लगाना है ग्रैनाइट बोलते, खाली ये सिंगल फ्रेम लगा दीजिएगा। इससे जो है दोस्तों आप लोगों का काफ़ी पैसा बचता, लेबर चार्ज भी कम होता। एंड मैं क्यों बोल रहा हूँ, बोले फ्रंट एलिवेशन है तो आप बनवा। ये तो बेसिक है प्लेटफॉर्म, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, ये वाला प्लेटफॉर्म सभी तरफ से आप उतर जाते घर के अंदर। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट ये देखिए, हर एक इसको जो है ग्रैनाइट फ्रेमिंग बनाया गया, ग्रैनाइट फ्रेमिंग बनाया गया। सो मैं खुद चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे ना करें दोस्तों। क्यों बोलो, इधर कैसे भी कर्टेन लगाया जाता है, यहाँ पे भी कर्टेन लगाया जाता है। तो मैं जिसका बजट शौक है तो बना लीजिएगा, आप अपना हिसाब से बना लीजिएगा। बजट हम कैसे पैसा कैसा बचा सकते हैं वो मैं आपको बोल रहा हूँ, पैसा कैसा बचा सकते, यही तरीका है दोस्तों पैसे बचाने का। अब बाकी का आपके ऊपर डिपेंड रहता, आपको ज़रूरत है तो लगा लीजिएगा, नहीं तो नहीं। ये वाला बॉर्डर है देखो, यहाँ पे भी हम अगर पर्दी में क्लोज कर दिए तो इससे जो है पैसा आप लोग पर्दी बंद बंद करें समझो, सब कुछ चले जाता। ओके, एंड दूसरा चीज़ मैं खोल के, ये तो बेसिक है, विंडो तो ज़रूरी है ठीक है हर एक चीज़, बट ग्रिल्स, ग्रिल्स की बात करें तो सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। एंड अगर आप बना ही रहे, हम विंडो क्यों रखते हैं, फर्स्ट वो चीज़ आप ध्यान रख लीजिए, बाहर का व्यू हमको दिखना। अब देखिए मैं बाहर देख रहा हूँ, फिर ये मेरे को ये अलग अलग दिख रहा है ये विंडो। सो इस विंडो को देखिएगा, ये ग्रिल जितना हो सके उतना इतना दूरी पे रख लीजिएगा ठीक है, इतना दूरी पे, मतलब अब यहाँ से छोड़ तो एटलीस्ट एक 4-4 इंच की दूरी पे रख लीजिएगा, और एकदम नज़दीक नज़दीक नहीं, चाहे आप वर्टिकल तो लो या फिर हॉरिजॉन्टल तो। सो मेरा रिकमेंडेशन आप हॉरिजॉन्टल लिए समझो, वर्टिकल लेने का ज़रूरी नहीं है। तो वेट जो है आप रिड्यूस कर सकते, इसमें आप लोग पैसा बचा सकते हैं। स्पेशली विंडोज़, एक विंडो बनाना है बोलो, इसको एक 10-10 हज़ार, इसको एक 10-15 हज़ार, तो ये एक विंडो का खर्चा आप लोगों को 30 हज़ार पड़ रहा है। अब इसी तरह से कितना घर में विंडोज़ रहते हैं, 1-2, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता यहाँ पे बेडरूम में 3-4, फिर 1-5, और किचन में है। अब जितना विंडोज़ आप लगे उतना ज़्यादा खर्चा होता है, और जितना कॉस्ट सेविंग इसी में, इसी यही एक तरीका है दोस्तों पैसे बचाने का। 7 विंडो 7 7 7 लगभग 2 लाख रुपए खर्चा। इसको जो है पैसा आप किस तरह से, मैं जैसा बोला देखो, ये ज़रूरी, खाली ये वाला फ्रेम लगा लीजिएगा। अब ये पूरा बॉर्डर भी बनवा सकते हैं, या फिर बॉर्डर नहीं बनाना बोले तो खाली ये बॉटम लगा लीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, उसमें बहुत पैसा बचेगा। बट ये साइड का लगा लीजिएगा जरूर। क्यों बोलूँ, साइड का लगाने से क्या फ़ायदा है बोले तो, अब हम हाथ कभी कभी हाथ लगाते तो पेंट ख़राब नहीं होता, वो एक चीज़ है। और दूसरा, हाँ, ये साइड को कभी भी मत लगाइएगा, इसको जितना उसके अपना क्लीनिंग कर लियो ठीक है। एंड विंडोज़, जो विंडोज़ ये सब जितना भी है देखो, फिनिशिंग प्रोडक्ट लास्ट को ही लगा ले तो सबसे बेस्ट। एंड ये जब का जब तुरंत आप लोग इसको निकाल लीजिएगा ठीक है, ये कुछ इपॉक्सी टाइप का मटेरियल है यहाँ पर लगाइएगा। तो इन तरीके से जो है विंडोज़ के ऊपर आप कम खर्चे में जो है विंडो बना, एक सादा विंडो और खर्चे वाला विंडो। और इसके बाद आप कर्टेन लगाए समझो, पूरा जितना भी लुक है, ब्यूटी है, सब छुप जाता। ऑलमोस्ट मैक्सिमम मैं देखा हूँ हर एक घर में, हम बीच में से खुलते, इधर थोड़ा खुलता उधर थोड़ा, ये पूरा छुप जाता है, कवर अप हो जाता है ऑलमोस्ट ये फ्रेम, बॉर्डर फ्रेम। तो ये तरीका है, बट अगर आप अपना ख्वाहिश से बना रहे हो तो बनवा सकते हैं। धन्यवाद।